दोस्त, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड आज हम लोग जा रहे हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए, जिसमें सबसे डेंजरस है स्कूबा डाइविंग। सो स्कूबा डाइविंग जो है वो हम जाते हैं डीप वाटर के अंदर, एंड वेट कर रहे हैं हम लोग। हमारी गाड़ी आएगी, वो हमें पिक करके ले जाएगी, एंड उसके बाद स्पोर्ट्स एक्टिविटी स्टार्ट होगी। अप्रॉक्स यहाँ से उन्होंने बताया कि 2 से 2.5 घंटे का टाइम लगेगा हमें वहाँ तक पहुँचने में, थ्रू अ बस या कोई भी गाड़ी हो सकती है। और मैं रुका हुआ हूँ गोवा के अल्पोरा एरिया में, एंड उन्होंने मुझे कहा था कि आप सॉल्ट रेस्टोरेंट के सामने आ जाना, वहाँ आपको गाड़ी मिलेगी। और देखते हैं गाड़ी कब तक आती है, और देखते हैं कि हमारी आज की एक्टिविटी जो है वाटर एक्टिविटी वो कैसी जाती है। सो लेट्स सी, एंड देखते हैं स्कूबा डाइविंग कैसी होती है। भाई आज तक पानी में तो हम लोग गए नहीं अंदर, लेकिन जाके देखते हैं आज पानी के अंदर। हवा में तो बहुत उड़ लिया, पानी के अंदर जाके देखते हैं क्या होता है। डीप वाटर स्पोर्ट्स करने हैं, और अप्रॉक्स हमें लगेगा 2.5 घंटे का सफर, और लाइन इस पे दो चार देख सकते हैं। हम सब बात खाली विंडो पे बैठा हूँ, किसी ने कोई हरकत की तो उनको मैं बाहर फेंक दूंगा। काफ़ी सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो रही है, तो हमने अभी 3-4 एक्टिविटीज़ की है, बनाना राइड, जेट, और ऐसे करते करते आप देखो मेरा हाथ देखो कितना इंजर्ड हुआ है, हाथ पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा कट गया है। तो ये होता रहता है वाटर में, और अंदर जब जाते हैं ना तो अंदर जाने दम घुटने से कोई मतलब नहीं है, वो तो हम लोग बर्दाश्त कर लेते हैं। उसके अंदर जो नमकीन पानी आता है आपके मुँह के अंदर, वो बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा। ये देखो क्या चोट लगी है, बहुत बुरा हाल हो गया भाई। ये देखो दिख रहा है ये, तो आप करो थोड़ा संभल के करो, क्योंकि मैं तो भाई भयंकर इंजर्ड हुआ हूँ। आप जा रहे हैं हमने स्कूबा डाइविंग के लिए इनसाइड द वाटर, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। एंड दूसरी चीज़, हम लोग पैराग्लाइडिंग भी करेंगे, तो चलते हैं आगे, मिलते हैं आपसे। हेलो, जैसे भी आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी बुक करवाएंगे उसमें ब्रेकफास्ट और लंच जो है इंक्लूड रहता है। सो बैक साइड में जो है अभी हम जा रहे हैं लंच करने, सुबह ब्रेकफास्ट कर चुके थे, एंड देखते हैं लंच में हमें क्या क्या प्रोवाइड होता है। क्या बिल्कुल बिल्कुल सही, अभी तक इन्होंने बोला है कि थाली 2 है, वेज और नॉन वेज, और उसके अलावा अगर आप और कुछ लेते हैं तो वो चार्ज होता है। नॉन वेज में आपको सिर्फ चिकन मिलेगा, अगर आप अलग से फिश ऑर्डर करते हैं तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो देखते हैं चल के इनका खाना कैसा है।
सो दोस्तों अब हम निकल रहे हैं स्कूबा डाइविंग के लिए। एंड स्कूबा डाइविंग जो है वो होता है कि हमको डीप वाटर के अंदर जाना पड़ता है। एंड डीप वाटर में जाकर कम से कम 10-15 मिनट का टाइम होता है उसमें आपको अंदर क्लीन, पता नहीं क्या कितने मिनट का है, बट 30 मिनट्स का तो थोड़ा मुश्किल ही है। तो हम कोशिश करेंगे कि स्कूबा डाइविंग को करने की, चलिए चलते हैं। चालू हो चुकी है हमारी यात्रा। देख सकते हैं आप नाव में बैठे हम लोग। तो दोस्तों पैरासेलिंग के बाद मैं चल पड़ा स्कूबा डाइविंग के लिए। मैं बता दूं स्कूबा डाइविंग जो होता है उसमें जो एक टीम होती है वो आपको डीप वाटर में ले आती है ओशन में। एंड उसके बाद आप वहाँ पे कम से कम 5-7 मिनट स्पेंड करते हैं। और मैं आपको एक सजेशन दूंगा, कभी भी आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने गोवा साइड आ रहे हैं तो आप सर्दियों के मौसम में हैं, लाइक अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, उस टाइम क्या होता है कि जो ओशन होता है उसका वाटर जो है वो पूरा क्लीन होता है और स्कूबा डाइविंग के टाइम आपको सब कुछ अंदर दिखेगा। लेकिन हम लोगों का जो टाइम था ये मई जून जुलाई अगस्त, ये जो टाइम होता है इस टाइम पे आप अगर ओशन में जाके स्कूबा डाइविंग करते हैं तो आपको क्लीन कुछ नहीं दिखेगा। और आप देख सकते हैं ये मेरी वीडियो है, ये मैं जब वाटर के अंदर गया था तब मेरे को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। इवन जो GoPro से वीडियोज़ ली गई है अंदर जाके वो भी कुछ पूरी की पूरी धुंधली आ रही है, इसमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो आपको ये सजेशन दूंगा कि सर्दियों में आएँ और सर्दियों में आकर ही आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी करें। वीडियो में तुझे है उसमें तो मतलब नीचे का तो उन्होंने बनाया चीको, ये सोचिए हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? मस्त, मजा आया, लेकिन पानी क्लीन नहीं है तो इस वजह से कुछ खास नहीं लगा। ओके, ऐसा लगा कि किसी स्विमिंग पूल में अंदर गए थे वापस आ गए। डर्टी पूल चलो भैया देख के चले जाए। आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटी में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ कराई जाती है और इसका जो कॉस्ट पड़ता है वो अप्रॉक्स 2000 रुपीज़ पर पर्सन का पड़ता है। और इसमें आपको 5-6 एक्टिविटीज़ कराई जाती है तो अकॉर्डिंग टू सीज़न आप जाके वहाँ पे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। हाँ भाई, कैसा एक्सपीरियंस है आप लोगों का? मैं आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटी की और इन्फॉर्मेशन दे दूं, अगर जब भी गोवा साइड में या किसी भी बीच पे वेदर ख़राब होता है तो उसके बाद आपको कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने का मौका नहीं मिलेगा ड्यू टू अ सिक्योरिटी रीज़न, मतलब सेफ्टी और सिक्योरिटी के हिसाब से कोई भी एक्टिविटीज़ वाटर एक्टिविटीज़ नहीं कराई जाती है। एंड इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ जब भी आए सर्दियों के मौसम में आए क्योंकि वो सबसे बेस्ट टाइम होता है गोवा घूमने का।
एंड मानसून सीज़न को अवॉइड करिए क्योंकि इस टाइम कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं होती है क्योंकि वेदर ख़राब होता है और ख़राब वेदर में ये सब एक्टिविटीज़ नहीं कराई जा सकती हैं क्योंकि इसमें जो भी पैसेंजर्स आते हैं उनकी जान को ख़तरा होता है। तो मैं आपको बार बार सजेशन दे रहा हूँ, आप जब भी गोवा विज़िट करें सर्दियों के मौसम में अवॉइड करें। दोस्तों, अपनी सारी एक्टिविटीज़ ख़त्म करने के बाद शाम को अप्रॉक्स 4 बजे हम लोग चल पड़े गोवा की ओर, क्योंकि हमारी जो एक्टिविटी थी वो महाराष्ट्र में हुई थी। क्योंकि गोवा में वेदर ख़राब था, इस वजह से हमारी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है उसे ट्रांसफ़र कर गया था महाराष्ट्र की ओर। एंड हमें वापस पहुंचने में 2 से 2.5 घंटे लगे। एंड मैं बता दूं, पूरे टूर में ब्रेकफास्ट और लंच ही आपके लिए इंक्लूड होता है।